बहुत समझदार है, ये कुंडी खोलने की कर रही है बाहर आने के लिए। अच्छा, इसको कुंडी खोलने आती है और सारे जानवरों को बाहर ले आएगी। ये भाई जबरदस्त, छोड़ दो इसको, छोड़ दो ताकि इसे कटकार देखें। माशाल्लाह मस्ती वाला बच्चा है, बेहतरीन। क्या हाइट होगी इसकी? माशाल्लाह से हाइट तो अच्छी खासी। खड़े हो साथ जाके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ अपने दोस्त के सेटअप पे, और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये उस्मान भाई हैं, इनके खुदा दाद पे जो अपनी चारे की जो है शॉप है, अक्सर लोग जो है इनको जानते होंगे या चारा इनसे लेते होंगे। तो सीन ये है कि भाई आज इनके सेटअप पर आया हूँ, तो बहुत टाइम से इंसिस्ट कर रहे थे मुदस्सर भाई, मैंने पलाई का भी सेटअप जो है स्टार्ट करा, आप ज़रूर आके मेरे सेटअप को विज़िट करें, देखें और जो है लोगों तक पहुंचाएं कि भाई पलाई की सर्विस जो है अवेलेबल है। तो भाई से मालूम करते हैं भाई पलाई में क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या प्राइस है, और सब चीज़ें आप सबको दिखाते हैं। बाकी जो है खाते वगैरह भी आप सबको चेक कराते हैं कि भाई बकरियों के साथ बच्चे वगैरह भी हैं भाई के पास। माशाल्लाह गुलाबी बकरा बड़ा ब्रीडर भी है, और एक तो भाई ये शेरा खड़ा हुआ है पीछे, तो फुल व्लॉग लाजमी देखना है इसकी वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं। देख रहे हैं बच्चा कितना खतरनाक है। तो उस्मान भाई क्या सीन है, पलाई वगैरह का क्या प्राइस चला रहे हो भाई? जी अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, पलाई तो 7000 रुपए है इसको। पलाई में हम जो है 7000 पलाई में हम इनको घी भी देंगे, तेल अच्छा। भी, और उसके बाद बाल वगैरह कटवाना, वैक्सीनेशन, खुर वगैरह, ये हम सब जो है 7000। अच्छा अच्छा, सर्दियों में घी तेल भी चलेगा, गर्मियों में भी चलेगा। तो आप क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि अभी आपको 2024 के बच्चे लोग दें या 2023 की पलाई कर रहे हैं सिर्फ, ये जरा कंफर्म करिए। 2023 भी कर रहे हैं, 2024 भी कर रहे हैं। अगर जो 2023 देंगे तो कम से कम दो दांत बकरा दें। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब के अच्छी प्रोग्रेस हो जाए। और कई लोग यार चाहते हैं कि भाई हमें जो है ना दो दांत में ही अच्छा तैयार बकरा मिलना चाहिए कुर्बानी के ऊपर, कई लोग पसंद नहीं करते ना, जैसे चार दांत हो गए, छह दांत हो गए। तो आपके पास मतलब कि अगर कोई 8-9 महीने का बच्चा दे तो आप 2023 तक अच्छा तैयार करके दे सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, कर देंगे। तो आपके पास कोई जानवरों में ऐसी चीज है जो आपने रखे हुए, जो आपने पलाई पे लिया हो, उसकी बिफोर आफ्टर आप दिखाएंगे कस्टमर्स को? जो आपकी तरफ भाई कस्टमर आता है मेरी तरफ से, तो उसको क्या मतलब डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं है? अगर आपकी तरफ से कोई कस्टमर आता है तो उसके लिए खसूसी जो है 1000 रुपए पहले महीने डिस्काउंट है। अच्छा, पहले महीने डिस्काउंट है ना। आप सबके लिए एक फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड करें कि भाई बीचों बीच शहर के अंदर जो है इनका ये सेटअप है, और ये आप बताओ भाई कहाँ पर सेटअप आपने जो है ये लगाया है अपना? ये ठीक आप कश्मीर रोड पे आते हैं खुदादाद कॉलोनी में, बिल्कुल उसके सामने मुस्लिमाबाद है, मुस्लिमाबाद में हमने ये सेटअप किया। अच्छा अच्छा, कई लोग भाई इनको जानते होंगे, बाय फेस जानते होंगे, बाय नाम जानते होंगे, क्योंकि इनका चारे का जो है सेटअप है खुदादाद चुरंगी में। और आप चारे का सेटअप कब से, मतलब कि आपका ये सेटअप है? माशाल्लाह चारे का सेटअप तो बहुत पुराना है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह 70-72 साल हो चुके हैं उसको। अच्छा अच्छा, पक्की बात है? जी बिल्कुल, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, खुदादाद के बड़े बड़े लोग आते हैं काफी एज के, कहते हैं कि हम यहाँ से छोटे से आते थे अपने दादा के साथ चारा लेने। अच्छा, तो भाई यही सीन है कि मैं भी जो है तकरीबन जब से मैंने अपना सेटअप डाला है और जो है जब से मैं शौक कर रहा हूँ, तो ये उस्मान भाई की शॉप से मेरा चारा जा रहा होता है। तो इंशाल्लाह भाई दुकान का भी किसी दिन विजिट कराएंगे, और अगर कोई चारे के अंदर आज डिस्काउंट मांगे तो मिलेगा? तो इन दिनों में तो थोड़ा बहुत, आपको सबको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है, इन दिनों में तो नहीं है, इंशाल्लाह मार्च के बाद जो है अच्छे रेट आएंगे, रेटों में डिस्काउंट मिलेगा। चलो चलो भाई, बहुत शुक्रिया। तो अब चलते हैं भाई उस्मान भाई के खातों की तरफ, और आप सबको दिखाते हैं कि भाई 7000 पलाई के अंदर ये क्या सर्विस दे रहे हैं। बाकी बता तो ये सब कुछ चुके हैं, अब देखना भी हम अब बनता है भाई क्या दिखा रहे हैं और क्या पलाई दे रहे हैं। तो चलते हैं भाई इनके खातों की तरफ, और देखते हैं भाई क्या माल इन्होंने रखा हुआ है और क्या प्रोग्रेस है इनके जानवरों की। भाई ये पहला सेटअप है बच्चों का, तो इस पर भाई किस एज के बच्चे हैं सारे? अंदर तो चले ऐसे अंदर। माशाल्लाह मुदस्सिर भाई, इसमें जो है आपको कुछ बच्चे नजर आएंगे जो है 2-2.5 महीने के। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ बच्चे जो है दिनों के। अच्छा, दिन के। बाकी ये जो जितने छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं 18-20 दिन के बच्चे हैं ये, माशाल्लाह सही सही देख सकते हैं उत्तर। और ये जो बच्चे हैं 2-1.5 महीने के, तो मतलब ये आपने अपने पास ही ब्रीड ली है पलाई की बकरियों पे या अपनी बकरियों की है? अपने घर की ब्रीड है, माशाल्लाह।
अच्छा, अपने घर की ब्रीड है और ये मतलब पलाई पे आए हुए हैं? नहीं, ये अपने सारे अपने बच्चे हैं। अपने तकरीबन 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 जितने बच्चे हैं ये माशाल्लाह से सारे अपने। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त है, सारे अपने सेटअप के हैं और कोई पलाई पे बच्चे नहीं है, ये सारे अपने। तो आने वाले टाइम पे, कुछ टाइम पे जब ये थोड़े से मतलब बड़े होंगे, 4 महीने के, 5 महीने के, तो फोर्थ सेल का इरादा है या अपने पास ही तैयार करने? अच्छा अच्छा, तो ये तो मैक्सिमम इसमें जितने भी नर होंगे वो 2024 की कुर्बानी के होंगे, 2023 में तो कोई बच्चा नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, तो इसमें ब्रीड बताओ, ब्रीड कौन कौन सी? ये तो कपली के अंदर है, पट है ये? सर्दी की वजह से ना सारे मतलब के खड़े में ऐसे, सर्दी है कराची में आजकल, बहुत ठंड पड़ रही है, दिन गर्म और रात ठंडी है, तो मौसम जो है ऐसा हो रहा है कि जानवर इतनी आसानी से सरवाइव नहीं करते। हाँ 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 हाँ, तो सही बात है। दोनों मक्की छीने बच्चे तो बड़े जबरदस्त हैं, किसके हैं? ये कितने दिन के बच्चे अभी? माशाल्लाह माशाल्लाह, 18 दिन के। दोनों मेल हैं फीमेल हैं? अच्छा, एक माशाल्लाह, एक मेल है एक फीमेल है, माशाल्लाह अच्छे हैं। ये पलाई पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, 18 दिन के बच्चे और वो 2 महीने की है। सही, साइज में कोई इतना खास फर्क नहीं है। ये 18 दिन के बच्चे हैं माशाल्लाह से। और ये माशाल्लाह बच्चा आपका? अच्छा, टा माशाल्लाह गुलाबी था और बकरी जो थी पटेरी थी माशाल्लाह से। बच्चा आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी चीज़ है भाई, क्वालिटीज दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये फोर सेल वाला नहीं है, बस शौक करा रहे हैं, शौक देखें। बाकी बस भाई का एक पर्पज़ ये कि पलाई वगैरह पे जानवर रखते हैं और साथ साथ अपना शौक भी कर रहे हैं। जगह अच्छी है माशाल्लाह भाई के पास, ये जगह देख लें भाई। एक वो मतलब कि सेटअप है, वो किस तरीके का, गबन बकरियों का है, क्या सीन है उस सेटअप का? वहाँ पर बकरियाँ हैं। अच्छा, दूध वाली बकरियाँ और मतलब और इस तरफ खाली बकरियाँ हैं जो अच्छा अच्छा लगने के लिए हैं, मतलब ताज़ी गबन। सही लगी है वो बकरियाँ यहाँ पर। और ये जहाँ दीवार खड़ी करी हुई आपने, ये सेपरेट, ये क्या सीन है भाई? ये बकरों के लिए है माशाल्लाह से, बच्चे तो तैयार हो रहे हैं, इसमें ब्रीडर भी छोड़ा हुआ है हमने साथ। अच्छा, ताकि लड़े ना आपस में। सही सही सही, चलो इस खाते में चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं भाई माशाल्लाह बच्चे। तो मुझे नो डाउट जो है ना, इन सब में जो बच्चे पसंद आए कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये मक्खी चीनी वाले भाई, ये दोनों नर है मादी हैं? एक नर एक मादा है माशाल्लाह भाई, ये इनका ख्याल रखना है आपने खसूसन, ये माशाल्लाह अच्छी ब्रीड है। और नर इसका ये वाला है दोस्तों, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये नर और ये मादी। इनकी माँ से भी हमें जरा ना इंट्रोडक्शन करवाइएगा कि भाई कौन सी वाली है। और इसमें एक बच्चा भी बड़ा जबरदस्त है, कौन सा वाला? ये वाला बच्चा माशाल्लाह, इसको तो गोद में उठा लो भाई। ये देखें भाई दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है जी दोस्तों। ये दूसरे खाते में माशाल्लाह, ये भाई के पास बहुत माशाल्लाह क्लास की जो है ये बकरी है। ये दोनों इसके नर बच्चे हैं? दोनों नर बच्चे हैं माशाल्लाह। एक माशाल्लाह माँ पे ये बिल्कुल मक्खी चीनी और ये एक बीतल बच्चा आया टापरे कानों में है जी, क्या चक्कर है यार? ये जो बकरी की माँ थी ना, अच्छा अच्छा, वो उसकी माँ जो थी ना, अच्छा मक्खी चीनी की जो माँ थी वो थोड़े टापरों में तो ये उस पे चला गया बच्चा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये बकरी जो है ना माशाल्लाह फुल अच्छी क्वालिटी के अंदर है। और इसे आपने कितनी ब्रीड ले चुके हो अभी? दूसरी ब्रीड है, दूध वगैरह बहुत अच्छा होगा इसका तो? अच्छा है, बच्चे पीते निकालते नहीं है। और ये टेढ़ा? ये टेढ़ा है, टेढ़े का ये सीन है भाई, वाइट आइज में माशाल्लाह अच्छा है। वाइट आइज में माशाल्लाह पंजाब है। अच्छा अच्छा अच्छा, पंजाब ब्रीड में भाई माशाल्लाह। ये डेरा गाजी खान वाला है ना, जीरो साइज है माशाल्लाह, आप देख रहे बिल्कुल वाइट। सही, तो ये ब्रीडिंग के पर्पस के लिए रखा हुआ है? अगर किसी को चाहिए होगा तो ये फोर सेल भी है। अच्छा, फोर सेल भी है, क्या डिमांड है? 55। यार 55 ज्यादा नहीं है उस्मान भाई यार? अगर आपकी कोई रेफरेंस आएगा तो कर लेंगे, मोहब्बत कर लेंगे। मोहब्बत करेंगे मतलब कि कम नहीं करेंगे, मोहब्बत करेंगे हैं? कम करेंगे यार। ये बच्चों को क्या हुआ तुम्हारे? माशाल्लाह ये है। हाँ, तो थोड़ी रात को हवा जो एकदम से चली है, थोड़ी बहुत हवा लग गई। सही इंशाल्लाह जो है इनको देंगे, सेट हो जाएंगे। सही। तो माशाल्लाह ये खसी बच्चा भी रखा हुआ भाई, बच्चा भी रखा हुआ है, पलाई का है ये माशाल्लाह, सारा माल पलाई का है। ये सारा माल पलाई पे आया हुआ आपके पास, झालर वगैरह भी माशाल्लाह दोस्तों, अच्छा बच्चा है ये, बेहतरीन। तो इसका कोई बिफोर सीन है कि भाई पहले क्या था और अब क्या आया है माशाल्लाह? अब तो आया है, हफ्ता हुआ है। अच्छा, लेकिन चीज़ अच्छी है माशाल्लाह, पंजों में बहुत प्यारा है ये बच्चा। तो ये इंशाल्लाह आपके पास रिजल्ट दिखाना चाहिए इस बच्चे को, है इंशाल्लाह। तो भाई उस्मान भाई के पास अभी तो आए, तो इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद दोबारा चक्कर लाएंगे तो आइडिया हो जाएगा हमें भाई क्या प्रोग्रेस है इस बच्चे की। खसी हुआ आया आपके पास? जबरदस्त जबरदस्त। और ये क्या है, ब्रीडर है? ये ब्रीडर है
माशाल्लाह ये अपने घर का ब्रीडर है। अच्छा, घर का ब्रीडर है, इस वजह से छोड़ा हुआ है कि ताकि बच्चे आपस में लड़े ना दाने पे। सही सही सही, इस वजह से अंदर छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये सबको मतलब के कंट्रोल करता है। सही सही सही, जबरदस्त भाई के पास माशाल्लाह माल तो जबरदस्त है। ये पट भी बड़ी जबरदस्त है यार, ये गुलाबी में जो है। तो इसका क्या सीन है, इसने बच्चे बच्चे निकाले हुए? माशाल्लाह इसने बच्चे दिए थे। अच्छा अच्छा, बच्चे दे दिए। सही, तो आपको पता है सर्दी के बच्चे सर्वाइवल नहीं होते, इसके बच्चे बच्चे नहीं है। ओहो, चलो भाई दोस्तों, पेट की बकरी तो बच्चे दे दिए, बहुत छोटे बच्चे थे। ये खाता भी वही भाई का बड़ा जबरदस्त है। इस खाते में भाई सबसे अच्छा जानवर जो मुझे लगा है ना, एक तो ये खसी बच्चा लगा है, और उसके बाद जो लगा है ये बीतल बकरी दो बच्चों के साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में दोनों नर भी बच्चे हैं, और माँ भी माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी के। बाकी इसके अलावा चलते हैं भाई तीसरे खाते में और देखते हैं भाई भाई के पास और क्या सीन है। तो यार ये बाहर निकाल रहे हो इनको, बाहर निकालें भाई। माशाल्लाह ये भाई भाई के कोई कजला वजला भी आएगा इनमें पीछे से? कजला तो फिलहाल आया नहीं है। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ये लाड़कर नहीं निकले भाई बाहर सारे। माशाल्लाह ये सारे पलाई के हैं दुम्बे। माशाल्लाह पलाई के हैं, वो आप देख सकते हैं इनका आफ्टर बिफोर भी है। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं। ये कितने टाइम हो गए आपके पास इन बच्चों को? माशाल्लाह इसको तो 2.5 महीने हो गए। अच्छा, इसको 2.5 महीने हो गए, 3 महीने। ये अपना है। अच्छा, ये अपना ज्यादा ही हो गए होंगे इसको, उनको महीना हुआ है माशाल्लाह। सही 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 सही, ये अच्छा है। तो ये काले कान वाला कह रहे हो कि इसके ये बच्चा आपके पास आया था कुछ टाइम पहले? अच्छा, 2.5 महीने पहले आया था ये अपना। तो इसकी प्रोग्रेस वीडियो है आपके पास? कोई पिक्चर वगैरह है पुरानी? चले भाई मुझे शेयर करेगा, मैं इस वीडियो के साथ लगाऊंगा ये वाला बच्चा। और भाई ये ब्रीडर के साथ जो है मस्तियाँ करने, अक्सर दुम्बों की तो ये खासियत है भाई, जहाँ भी जाएंगे ना एक आधे जानवर से ज़रूर लड़ते हैं ये ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाड़का ना बहुत अच्छा है भाई का। तो भाई दाने में क्या चला रहे हो? माशाल्लाह से अभी दो दांत हुए ये। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तोड़े इसने दांत। अच्छा, दिखाओ दांत दिखाओ। हाँ मतलब कि अभी अभी बस गिराए दांत। हाँ जबरदस्त, ये बकरा तक चार जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत माशाल्लाह क्वालिटी वाला बच्चा है, बेहतरीन। और इसका तो आपके पास, आप बोल रहे हो वीडियो है तो मुझे शेयर करना, ताकि लोगों को भाई प्रोग्रेस दिखे कि आपके पास क्या प्रोग्रेस चल रही है, ताकि अगर कोई पलाई पे रखवाना चाहे तो उसको एक चीज़ का आइडिया हो कि हाँ भाई हम किसी के पास पलाई पे जानवर दे रहे हैं तो हमारा जानवर ग्रोथ करेगा। सही है। और ये बच्चे का क्या सीन है भाई? माशाल्लाह अपना ब्रीडर है। अच्छा अच्छा, मक्का चीना प्योर में भाई? प्योर में आप देख सकते हैं साइज वगैरह, झालर। क्या हाइट होगी इसकी? माशाल्लाह से हाइट तो अच्छी खासी है। खड़े हो साथ जाके नादिर, जो बकरे के साथ खड़े हो भाई। हाइट तो इसकी बड़ी जबरदस्त है, और मतलब कि फुल एग्रेसिव आंडू बकरा है, और स्मेल भी इसके पास से खूब आ रही है। नादिर भाई खड़े हो, छोड़ो इनको, छोड़ दो आप, इनको लड़कानों को छोड़ दो। माशाल्लाह मस्त घूम फिर रहे हैं ये। तो ये दुम्बों की भी पलाई 7,000 रुपए? जी जी, दुम्बों की पलाई कुछ कमी बेशी? बड़े दुम्बे होंगे तो उनकी ज्यादा है, आपको पता है। अच्छा अच्छा, सही। तो ये नादिर भाई के कद, नादिर भाई कितना कद है तुम्हारा? 5.5 है भाई नादिर का कद। ये माशाल्लाह वाइट आइस के अंदर, दांतों में क्या है ये? दांतों में ये चार है माशाल्लाह, दांतों में चार है पूरा है? चार है, चार है। तो इससे कोई ब्रीड वगैरह नहीं ली? माशाल्लाह इसकी ब्रीड आएगी अभी, अभी आएगी। और वो जो बच्चे हैं पीछे जो मक्खी चीनी के, वो इसी की ब्रीड है या इसी किसी की और? ब्रीड है, और इसके जो है बच्चे बेचे भी हैं हमने। अच्छा अच्छा, इसके बच्चे बेचे भी हैं। फरमाइश कर रहे थे कि हमें चाहिए, तो उनको प्रोवाइड करेंगे, अभी प्रोवाइड करेंगे। अगर आने वाले टाइम पे इसकी ब्रीड करवाते हो तो प्रोवाइड कर दोगे बच्चे? और अगर किसी को बकरी वगैरह लगवानी हो, क्या सीन है फिर? बकरी लगवानी हो तो उसके चार्जेस हैं। चार्जेस हैं, मोहब्बत में नहीं करते ये काम? आपकी मोहब्बत में, अगर आप अगर अपना जानवर लाओगे तो लगवा देंगे। अच्छा, ये आपको पता है जानवर कैसा है। हाँ माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। तो इस खाते में चलते हैं, बकरियां वगैरह दिखाओ भाई भाई को। चले भाई, हम खाते में आ गए जिनके बच्चे हैं बकरियों के, तो इस खाते के अंदर आ गए दूध वाली बकरियां माशाल्लाह सारी। तो भाई क्या सीन है, इस पट से शुरू करते हैं। इस पट का क्या है? मक्का चीनी का रिजल्ट है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये पट कितने महीने की है? ये है 4.5-5 महीने की। 4.5-5 महीने की पट है ये इसी बकरे का? इसी बकरे का, और माँ इसकी ये है। अच्छा, माँ इसकी है। तो ये पलाई पे आपके पास? नहीं, अपनी है, घर की है। अच्छा, ज्यादातर माल अपने ही है अभी है? ज्यादातर माल तकरीबन अपने ही, अपने ही है, पलाई पे भी बहुत कम है। और ये भाई इसका क्या सीन है? माशाल्लाह ये अपने घर की पट है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे दे चुकी है अभी तक? माशाल्लाह ये देख सकते हैं। सही सही सही, दिखाओ भाई पासे दिखाओ, क्या दिखा रहे थे?
जी दोस्तों देखिए माशाल्लाह खिलाई पिलाई भाई की जबरदस्त है। और बच्चे जरा थोड़े जो है तुम्हारे डिस्टर्ब हुए हैं सर्दी की वजह से ना, तो अभी क्या दे रहे हो सर्दी में, कोई किसी को अगर बताना चाहो यार सर्दी में क्या देना चाहिए जानवरों को। तो कहवा चला रहे लौंग दालचीनी। अच्छा अच्छा लौंग दालचीनी, चाय की पत्ती। अच्छा जी, और गुड़ वगैरह मिक्स करके कावा बना के पिला दो। पिला देते हैं। अच्छा ये है कि जुकाम वगैरह खांसी होती है ना तो जानवर सेट हो जाता है। सही सही। तो भाई ये माशाल्लाह देख सकते हैं इनकी ये बकरियां हैं, बड़ी जबरदस्त बकरियां हैं, दूध वाली बकरी माशाल्लाह अच्छी हैं। तो इनमें से कोई फोर सेल है दूध वाली बकरी? बकरी कोई फोर सेल? अच्छा बकरी कोई फोर सेल नहीं है। तो भाई दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप कोई मतलब कि आपके पास कोई बकरी छोड़ता है गुलाबी में या मक्की चीनी में, तो आप समझते हो कि आपके पास ब्रीडर है, आप अच्छी पलाई कर सकते हो, ब्रीड दे सकते हो उनको। तो इसी ब्रीडर से क्रॉस करवाओगे अगर पलाई के लिए देता है आपको बकरी। सही सही सही। चले भाई दोस्तों ये देखे माशाल्लाह अच्छा भाई ने सेटअप रखा हुआ है, नमक वगैरह भी लगाया हुआ, ये बहुत ज़रूरी होता है इसको लगाना। तो अभी आपने दोबारा से इस्टेब्लिश करा है पूरा सेटअप, कितना टाइम हुआ इसको सेटअप को स्टार्ट करे हुए? स्टार्ट करे हुए मुझे हुए हैं 2 महीने। अच्छा 2 महीने हो गए। सही सही सही। जी दोस्तों भाई ये माशाल्लाह भाई के भाई एक बकरा है तो फुल अग्रेसिव, क्या कह रहा हूँ खस्सी है ये, ये पलाई के ऊपर आया है तो क्या प्रोग्रेस है भाई इसकी बच्चे की? दांतों में क्या है? दांतों में खीरा है क्या? अभी खीरा बच्चा, छोड़ दो इसको छोड़ दो ताकि इसे कद काट देखे। माशाल्लाह मस्ती वाला बच्चा है, बेहतरीन जबरदस्त। दाने में क्या चला रहे हो? दाने में गंदम और छिलका। अच्छा दलिया किसका? बिल्कुल भी इस्तेमाल दलिया गंदम का। गंदम का ही दलिया? गंदम का ही दलिया। और तकरीबन सारे बकरी बकरे धुम्बे उम्बे सबको गंदम और छिलका? गंदम और छिलका। रिजल्ट अच्छा है? रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। अच्छा भाई देख सकते हैं। तो अगर इस नौयत का कोई, अगर ये इस नौयत का कोई बकरा देता है 7000 पलाई है, 7000 पलाई है, भराई वगैरह उस पर नहीं है, बिल्कुल सादी पलाई है और ऑर्गेनिक फीड के ऊपर है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। छोड़ो यार फिर जरा देखें तो सही क्या चीज़ है ये खस्सी बकरा। कब पंच हुआ है? पंच कराया खस्सी कराया प्योर पंच हुआ है? किस टाइम तक कब पंच हुआ हुआ ये? सही 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 माशाल्लाह। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये उस्मान भाई का भाई माशाल्लाह मक्खी चीना बहुत क्लास का, लास्ट ईयर जो इन्होंने बहुत क्लास का लैल पूरी बड़े साइज़ का पाला था वो मिस हो गया भाई, उसका व्लॉग में शूट नहीं कर पाया। तो अभी जो है बहुत टाइम बाद इनके सेटअप पे आया हूँ मैं। बाकी इनका तोतों का भी बहुत ज़बरदस्त सेटअप है और पीछे मुर्गियों का भी। तो अगर इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्यार दिया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेकंड व्लॉग का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह इनका मुर्गियों का सेटअप और तोतों का सेटअप भी ज़रूर आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं किसी और जगह किसी और मंडी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।